वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तेरे रब ने यह फैसला किया है कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं। उसके बाद माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का तस्करा तौहीद के बाद है, जिससे माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने की अहमियत का अंदाजा होता है कि अल्लाह ने उसे अपनी तौहीद के बाद जिक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम उसी की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो, और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। हुस्ने सलूक का अंदाज बताया गया, देखो कितना प्यारा अंदाज है। उन दोनों में से अगर एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, सवाल ये है, पहले ये बोलना चाहिए ना, दोनों मिल जाए फिर एक मिले, पहले दोनों रहते हैं ना, फिर उसके बाद उनमें से एक कम होता है। तो यूं कहना चाहिए दोनों मिल जाए या एक मिल जाए, लेकिन तरकीब उलट दी गई। पहले कहा गया उनमें से एक मिल जाए या दोनों मिल जाए, पहले ला करके ये बताना मकसूद है कि माँ बाप में से कोई एक अगर मिल जाए तो वो हुस्ने सुलूक का तुम्हारे ज्यादा मुस्तहिक है। मसलन जब तक बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जिंदा है, अगर बहू की तरफ से कोई तकलीफ हुई, बेटे की तरफ से तकलीफ हुई, तो बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे को बता करके, जिक्र करके अपना गम गलत कर लेते हैं कि देखो आज बहू ने मुझे ऐसा कहा, मेरे बेटे ने मेरी ये बात नहीं सुनी, तो एक दूसरे से बयान करके अपना गम गलत कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक अगर इस दुनिया से चला जाए और अगर बेटा उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, बहू उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बताओ अगर माँ जिंदा है तो वो अपना गम गलत करने के लिए किसके पास जाए, बाप अगर खाली जिंदा रहे तो अपना गम गलत करने के लिए किसके पास जाए। कुरान हकीम किस तरीके से अजीब गरीब साइकोलॉजिकल बात करता है, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, उनमें से एक मिल जाए, अगर एक मिले तो तुम्हारे हुस्ने सुलूक के ज्यादा मुस्तहिक है। इसलिए कि कोई बात बेटे ने कह दी, कोई बात बहू ने कह दी, अब ये अपना गम बयान करने के लिए किसके पास जाए, उसका रफीक सफर तो था ही नहीं, अब है ही नहीं। लिहाजा अगर एक मिले तो वो तुम्हारे हुस्ने सुलूक का ज्यादा मुस्तहिक है। कैसे कहना है, कैसे रहना है उनके साथ, फला तकुल लहुमा उफ, पहले कहा गया कि उफ भी मत कहना किसी बात पर, वला तनहरहुमा, किसी बात पर डांटना नहीं, इसलिए कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से तुम्हें पाला है। कभी तुम बीमार हुए, बाप रात भर सोता नहीं, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा सब कुछ बिक जाए चलेगा लेकिन मेरा बच्चा बचना चाहिए। क्या ये जज्बात हमारे अपने माँ बाप के ताल्लुक से हैं? वो तो ये दुआ करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो, मेरा बच्चा जिए फले फूले, और यहां मामला उल्टा है, कहते हैं कब इस दुनिया से ये चले जाए, खस कम जहां पाक, खांसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उल्टा पलटा करते रहते हैं, कब ये दुनिया से चले जाए। ये फर्क हो जाता है सोच का, ये फर्क हो जाता है आदमी के विचार का और उसकी फिक्र का। बच्चा है गोद में बाप के, अब्बा ये क्या है, पंखा है, फिर पूछते हैं अब्बा ये क्या है, पंखा है बेटा, अब्बा ये क्या है, बोले पंखा चाहिए बेटा, ले आता हूँ खरीद कर। माँ बाप बोले बेटा चाय नहीं आई है, आ जाइए अब्बा, आ जाइए बेटा चाय नहीं आई, आ जाइए अब्बा, आ जाइए बेटा चाय नहीं, क्यों बार बार आप उसी बात को दोहरा रहे हैं, चाय आ जाएगी ना, ये फर्क है। وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ, माँ बाप को उफ भी कहने की इजाजत नहीं है तुम्हें, वला तनहरहुमा, उनको डांट नहीं सकते, وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, और जब बात करो तो बड़े अदब से बात करो, बहुत अदब से बात करो, साथ ही وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, और रहमत से फरमा बरदारी का बाजू बिछाए रखो। यहां जनाह का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से एक मुर्गी अपने बच्चों को लिए हुए बाहर दाना दुनका चुनती रहती है, और अचानक जब उसे किसी खतरे का एहसास होता है कि चील आ रही है या कोई खतरा
मडला रहा होता है तो एक आवाज निकालती है। आवाज निकालते ही सारे चूजे उसके करीब आ जाते हैं और वो मुर्गी अपने तमाम बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। वही ताबीर इख्तियार की गई है, वख्फिज लहुमा जनाहसुल। जिस तरह मुर्गी खतरे के एहसास से आवाज निकाल करके बच्चों को अपने करीब बुला लेती है और उन्हें अपने परों के नीचे छुपा लेती है ताकि इनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, ऐसे ही तुम अपनी रहमत का बाजू मां बाप के लिए बिछाए रखो, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना होने दो। इसलिए कि मां चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो जाड़ा हो बरसात हो, अगर बिस्तर गीला हो गया तुम्हें सूखे में सुखा सुलाती है और खुद गीले में सो जाती है। अल्लाह हू अकबर, ये तालीम है कुरान हकीम। और उसके बाद ये कहा गया कि उनके लिए दुआ करते रहो, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, जिस तरीके से इन्होंने बचपन में रहम की वजह से मेरी परवरिश की थी, इस परवरिश की जिस वजह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन दोनों के ऊपर रहम फरमा। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बताइए माँ बाप के ताल्लुक से इस तरीके की तालीमात दुनिया के किसी मजहब के अंदर है? आज तो यूरोप में जिसे अपने तमद्दुन अपनी सिविलाइजेशन अपने कल्चर के ऊपर बड़ा नाज है, अपने बूढ़े बाप को ओल्ड डॉग कहते हैं तो मां को ओल्ड बिच क्या बोलते होंगे? अपने बूढ़े बाप को ये लोग ओल्ड डॉग बोलते हैं, बूढ़ा कुत्ता। और यहां कोई ऐसी बात जबान से ना निकलने पाए जिससे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। फला तकुल लहुमा उफ, ये है कुरान हकीम की तालीम माँ बाप के ताल्लुक से। खुदा की कसम दुनिया का कोई मजहब इस तरीके की अखलाकी तालीम पेश करने से कासिर है। और उसके बाद कहा गया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। अच्छा ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बताना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो मोहब्बत के साथ, जैसा कि उन्होंने तुम्हारे साथ मोहब्बत के साथ सब कुछ किया है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। बाज लोग कहते हैं कि अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक ना करें तो दुनिया वाले कहेंगे बड़ा नाफरमान बड़ा गया गुजरा बेटा है। तो बाज लोग दुनिया के खौफ से अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करते ना। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, क्या साइकोलॉजिकल तालीम है, क्या साइकोलॉजी है। देखिए अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है, यानी माँ बाप की खिदमत जो कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया की वजह से कर रहे हो या सच में मोहब्बत और रहम के जज्बे से कर रहे हो? दर हकीकत उन्होंने मोहब्बत और रहम के जज्बे से तुमको पाला है, लिहाजा उनके साथ उसने सलूक रहम और मोहब्बत के जज्बे से होना चाहिए। हर जज़ा उल एहसान इल्ल एहसान, एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए। तुम बच्चे थे तो उन्होंने तुम्हारा बचपन संभाला, अब वो बच्चे हो गए तुम उनका बचपन संभालो। हर जज़ा उल एहसान इल्ल एहसान, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। तुम बच्चे थे तो माँ बाप ने तुम्हारा बचपन संभाला, अब वो दोनों बच्चे हो गए, अब तुम्हारे ऊपर ये फरीजा आयद होता है कि तुम उनका बचपन संभालो। तो फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी न कहो, वला तनहरहुमा उनको डांटो नहीं, वकुल लहुमा कौलन करीमा बड़े अदब से बात करो, और उनके लिए रहमत से खाकसारी का आजिजी का इनकसारी का बाजू बिछाए रखो और उनके लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी और अपना सब कुछ मेरे पीछे लगा दिया था। एक बाप किसान मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन यही बच्चा जब किसी ओहदे पर पहुंच जाता है और जब शादी हो जाती है उसके बाद इसकी हरकतें देखो, अपने बाप कितनी और अपने अपनी माँ कितनी।